हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी फिजिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 2.13 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 3.17 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। फिगर शोज द एक्सटिक प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक एक ग्राफ बना हुआ है, एक्स टी ग्राफ है स्टूडेंट। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन जीरो एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ है स्टूडेंट, इस साइड में हमारा टी जो है वो लेस देन जीरो है और इस साइड में जो हमारा टी है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है स्टूडेंट, इफ नॉट सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। देखो स्टूडेंट, जो यहाँ लिखा है पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोलिक पाथ जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पाथ रिप्रेजेंट होता है, एक्स टी ग्राफ से नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पैराबोलिक पाथ जो है वो एक्स टी ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से होता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे नो, दिस एक्स टी प्लॉट कैन नॉट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल path of the moving particle इसको ट्राजेक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्स टी प्लॉट कैन नॉट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल। पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉट एक्स टी ग्राफ। ठीक है, हमारे चैनल पर लिंक लगा हुआ है, आप उसे एक्स टी ग्राफ से समझ सकते हैं कि उसमें कौन सा ग्राफ किस टाइप का होता है। ठीक है, ग्राफ यानी प्लॉट कैन रिप्रेजेंट कैन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। दिस प्लॉट कैन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी पार्टिकल इज इन रेस्ट इनिशियली। एन एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो है, एक्स भी जीरो है। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट, ये ऊपर ऐसे हमारा है पार्टिकल, अब यहाँ रुका है, तो इसके लिए एक्स भी जीरो है, टी भी जीरो है। जब यहाँ से नीचे डाउन होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ। ठीक है, यानी हमारा जो मोशन है वो ग्रेविटी एक्सेलरेटेड मोशन है।
ग्रेविटी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, ग्रेविटी एक्सेलरेटेड मोशन मींस जिसमें हमारा जी लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम उसका एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली विद टाइम। ठीक है, इस मोशन में जैसे यहाँ फ्री फॉल हुआ स्टूडेंट, तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे गिरेगा उसकी डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, जैसा कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।